जी नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना लाइव डॉट न्यूज और मैं हूं पंकज भट्ट। 2019 का चुनाव सड़ चढ़ के बोल रहा है। मैं पहुंच गया हूं खगड़िया जिले के परवत्ता विधानसभा क्षेत्र के सुदूर देहात क्षेत्र देवठा पंचायत में। आपको मैं बता दूं कि ये वो धरती है जहां स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कांति सिंह का जन्म हुआ था। हम उस पावन धरती से आपको ये दिखाएंगे कि यहाँ की जनता का क्या मूड है और यहाँ विकास की कैसी धाराएं बह रही है। मेरी मुलाकात यहाँ के मुखिया जी से हो रही है। पहुंचा हूँ कांति सिंह की धरती से, कांति शर्मा की धरती से मैं बात कर रहा हूँ। क्रांतिकारियों की धरती है, कितनी निष्ठा देश के प्रति यहाँ की जनता रखती है इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आज से 70 साल पहले इस धरती ने क्रांतिकारी को पैदा किया। तो आइए हम बात करते हैं पंचायत प्रतिनिधि सर, बताएं 2019 का चुनाव क्या लगता है? 2019 का चुनाव में सरकार मोदी का ही बनेगा, उसमें कोई दुमत नहीं है। और प्रधानमंत्री जो भारत को मिला है, आज दिनों तक यह प्रधानमंत्री भारत को नहीं मिला था, जो ने कितना काम किया है और हर पग पर, हर टाइम, हर मौका में वो उनका कदम आगे रहता है। और विकास के खास करके खगड़िया जिला में यह प्रधानमंत्री गंगा बहा दिया है। राहुल गांधी 72,000 रुपए भी दे रहे हैं सर। राहुल गांधी 72,000 दे रहा है, सरकार को 6,000 जो सालाना दे रहा है। नहीं, आपको महीने महीने बता रहे कि हम 72,000 का महीना देंगे। नहीं, यह बात तो हम लोगों को मालूम नहीं है कि राहुल जी ने 72,000 के साल दे रहा है और 72,000 साल देगा पब्लिक को तो वह भारत देश कहाँ चला जाएगा। इतने भारत में जनगणना है, अगर उतना आदमी को स्थानीय आपके यहाँ जो प्रत्याशी हैं चौधरी महबूब अली कैसर, लोजपा का सीट है खगड़िया, पशुपतिनाथ पारस का ये कर्म क्षेत्र रहा है, कितना संतुष्ट हैं आप अपने प्रत्याशी को लेकर? संतुष्ट तो हम लोग नहीं हैं, मगर मोदी के लेकर के संतुष्ट हैं। मोदी की वजह, हाँ, मोदी के वजह से हम लोग संतुष्ट हैं। यहाँ सम्राट चौधरी को सम्राट लोकल लीडर थे और अच्छा खासा उन्होंने काम भी किया है। और सम्राट चौधरी खगड़िया लोकसभा में जितना काम किया है उतना आज दिनों तक कोई भी एमपी और सांसद जो है नहीं काम किया है। और बच्चा बच्चा सम्राट चौधरी और संजीव डॉक्टर को जानता है। केसर जी को हम लोग वोट दे देंगे, मगर मोदी को देख करके वोट दे रहे हैं। मोदी जी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण भोजन की बात करती है। आपको लगता है कि आपके पंचायत में जो आंगनबाड़ी केंद्र है, जो मिडिल स्कूल है, उसमें बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण भोजन दिया जा रहा है? गुणवत्ता पूर्व सब चीज दिया जाता है, मगर शिक्षक जो है, हम लोगों के गाँव जो हाई स्कूल प्लस टू खुला है, अभी तक एक भी शिक्षक उसमें सरकार नहीं दिया है, जिसका कारण 100 सर आंगनबाड़ी की बात कर रहे हैं। आंगनबाड़ी में जो भी चल रहा है ठीक ढंग से चल रहा है, कोई भी आंगनबाड़ी यहाँ नहीं चल रहा है अल्टर ढंग से, वह समाज के गरीब में है। समाज खगड़िया के और भी कई प्रखंड में मैं गया तो मुझे ये जानकारी मिली है कि CDPO साहब प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र से कुछ रकम भी बांधे हुए हैं। आपके पंचायत में भी क्या ऐसी ही बात है? नहीं, ऐसा बात तो नहीं है। हम लोग तो नहीं जान रहे हैं कि CDPO आंगनबाड़ी केंद्र से या सेविका सहायिका से कुछ लेता है, ये बात को जानकारी नहीं है। और आप केंद्र पे जाते हैं? हाँ, केंद्र पर हम लोग जाते हैं। क्या स्थिति? ठीक है, ठीक है। कांग्रेस का कुछ गंदी नीति है, मोदी को ही आप वोट दें, चाहे कुछ भी हो जाए हम मोदी को वोट। मेरा मन बना लिया है जी, हाँ, मोदी को। अच्छा, एकदम उस समय तो भूलेंगे नहीं जी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कन्फर्म है, वृद्ध भी है। आप ये बताइए कि क्या लगता है कि देश में किसकी सरकार होनी चाहिए? नरेंद्र मोदी का होना चाहिए। नरेंद्र मोदी का होना चाहिए? क्यों नरेंद्र मोदी का होना चाहिए? बहुत का विकास इतना दिन में किया है। 72,000 रुपया आप लोग को छूट जाएगा, फिर पैसा देश को बेच के देगा। अच्छा, ये बात है। क्या बताएं, 2019 का चुनाव को किस रूप में देख रहे हैं? 2019 का चुनाव तो हम नरेंद्र मोदी के ऊपर सौंप रखे हैं, अब देखिए आगे क्या होगा। नरेंद्र मोदी को क्यों देंगे वोट? तो नोटबंदी कर दिए, GST लागू कर दिए, बहुत बात हुई है। अरे भाई, नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं वोट देंगे?
वो तो जो 5 वर्ष में करके दिखाया वो कांग्रेस जो है 55 साल में नहीं किया। लेकिन अभी तो बोल रहे हैं ना राहुल गांधी की 72,000 रूपए देंगे। वो 72,000 देंगे और नरेंद्र मोदी किसान सम्मान के लिए 6,000 रूपया सालाना घोषित कर दिया, किसी के खाते में आ गया, बहुत किसान मालोमाल हो रहा है। अच्छा, बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी कहाँ है? काम किया है अभी तक वार्ड में? वार्ड में बहुत काम। क्या काम किया? जैसे रोड बन गया, उसके बाद नाला बनने। वोट किसको देंगे? वोट तो हम देंगे ऊपर देख के नरेंद्र मोदी को। अच्छा, नरेंद्र मोदी के चलते वोट देंगे। महबूब अली कैसे? नहीं जस रहे? नहीं, ये प्रत्याशी नहीं। क्यों? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नंद किशोर सिंह। अच्छा, आप तो वार्ड सदस्य हैं। जी। कमाई धमाई हुआ? नहीं, कमाई धमाई कुछ नहीं, बस नहीं। समाज सेवा से मतलब है। कुछ कमीशन उमीशन? नहीं, कुछ कुछ नहीं। सर आप बताएं, 2019 का चुनाव कैसे देख रहे हैं? 2019 का चुनाव जो है सर, जो मेरा यहाँ निचला वर्ग का प्रत्याशी था उस ढंग का नहीं बन पाया, उनको टिकट नहीं मिला, इसलिए महबूब ओली जो मिला है, महबूब ओली को हम वोट देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वोट देंगे, देंगे तो हम नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। नरेंद्र मोदी को क्यों दीजिएगा, राहुल गांधी को क्यों नहीं दीजिएगा? नहीं, राहुल गांधी जो है वह 60 वर्ष यानी 40 वर्ष राज किया, लेकिन कुछ नहीं कर पाया, नहीं दिखा पाया। तो बता रहे हैं कि गरीबी हटाएंगे? जी नहीं, जो कि 3 साल के अंदर में, 4 साल के अंदर में मतलब मोदी सरकार ने हमको दिखाया हिंदुस्तान को, वह अभी तक मतलब जो कि राहुल गांधी कांग्रेस का सरकार रहा 40 वर्ष, लेकिन कुछ नहीं कर पाया, 60 वर्ष रहा कुछ नहीं कर पाया। इसलिए जो भी प्रत्याशी हमारे से खड़ा है हम इनको वोट नहीं देंगे, इससे हम लोग नाराजगी है, कारण कि हम लीला के बुने हैं समाज सेवा के लिए, लेकिन वोट देंगे। अगर इनको टिकट मिला है तो हम नरेंद्र मोदी को ही वोट देंगे। क्या लगता है सर 2019 का चुनाव? 2019 का चुनाव लग रहा है कि अगर ये टिकट सम्राट जी को मिलता तो इतना नहीं तजुर्बा रहता कि क्या कौन जीते कौन जीते, पहले फैसला हो जाता। लेकिन ये जो अभी तक केसर अली को दिया गया है इसमें बहुत गहमा गहमी होने वाला है।